हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। इधर भी देखिए स्वागत करना चाहता हूँ, आभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे इस प्रखंड काम में भागीदारी बने। खत्म हो गया। सबसे पहले मैं पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सरेंद्र महतो जी से आग्रह करूंगा कि हमारे प्रखंड के भी आगे महोदय को हाँ पूरा देखिए जिला निरीक्षक के रूप में नारायण स्वामी जी ने चादर और गुलदस्ता देकर भेंट करेंगे। अब मैं माननीय रो प्रखंड के उप प्रमुख महोदया से आग्रह करूंगा कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी को रामबालक चौहान जी को गुलदस्ता और माला देकर स्वागत करें। आप जो है शिवादत यादव जी से आग्रह करते हैं कृपया वो भी अपना आशीर्वाद अपने नव निर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष को दें। प्रखंड अध्यक्ष बने हैं जदयू कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव के कारण और सभी प्रखंड क्रियाशील सदस्य इस बैठक में उपस्थित हुए और प्रदेश से आए पटना से चलते अशोक बाबू और नवादा से रामबालक चौहान जी नारायण स्वामी जी मुनिलाल जी साधु यादव जी और सभी मुखिया और प्रमुख। मैं पर्यवेक्षक महोदय से कहना चाहता हूं कि लोग धरती जिस
करने वाला जिला मेंबर था, ज्यादा में जदयू का कमान संभालने का काम किया। उस समय से लोग सब दिन आगे रहा है और आता रहेगा। और आज जो लोग प्रखंड में पहले भी सिलेंदर मांगो जी थे और आज भागशाली से सिलेंदर मांगो जी ने अध्यक्ष की पद ग्रहण किए, इनको हम हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, सारे क्रियाशील सदस्य जिस समय आज 60-65 से सदस्यता अभियान चला, लेकिन रो में एक ऐसा सक्रिय कार्यकर्ता बना कि पूरे बिहार में पहला स्थान जिसका नाम है रो प्रखंड। दोस्तों, पर्यवेक्षक के रूप में जब प्रभारी के रूप में नारायण मोहन स्वामी जी को रो प्रखंड में बनाया गया है, उनको भी हम जी से धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। मैं नारायण मोहन स्वामी जी से यही कहना चाहता हूं कि समय समय पर जदयू ऑफिस आ दीजिए या बैठक कीजिए और हमारा अध्यक्ष उस समाधि बढ़ते रहेगा और हम लोग भरपूर मदद करते रहेंगे। रो पंचायत के बहुत ही मेहनती साथी मुन्ना जी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, वो खड़ा हो गए, दो शब्द बोलते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ सलेंदर महतो जी को, बड़ी काफी। हम सभी जो हमारे जदयू का कार्यकर्ता है, सबको प्रणाम और सलाम सबको करते हैं। हम लोग रांची में धर्मेंद्र जी को ओके करके मेहनत करके हम लोग प्रखंड अध्यक्ष के बारे में चुन चुके हैं। सही दिन से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप पार्टी का काम करते रहेंगे और फिर से आकर बढ़ते रहेंगे। अशोक कुमारी से राजू से पहले कर रहा है कि उनका स्वागत करेंगे। आज रो प्रखंड जनता दल संगठन चुनाव के सम्मानित अध्यक्ष और प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी मुनीलाल यादव जी, यहाँ पर उपस्थित प्रखंड के जिनके देख रेख में चुनाव संपन्न हुआ है, पूर्व जिला पार्षद भी हैं और एक पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं आदरणीय नारायण स्वामी जी, यहाँ पर उपस्थित है जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पूर्व जनता दल युवा के अध्यक्ष कर्म साथी है भाई रामबालक चौहान जी, यहाँ पर उपस्थित है नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष शैलेन्द्र महतो जी, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष शैलेन्द्र महतो जी, पूर्व के प्रखंड अध्यक्ष है अभेश कुशवाहा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पंचायत के सम्मानित प्रतिनिधिगण, उपस्थित तमाम जनता दल में बिजली है, वो बिजली किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, धर्म विशेष के लिए नहीं है, संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। वो बिजली यदि आती है तो उस बिजली का उपयोग सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग करते हैं। आपके गांव में जब सड़कें बनी है, अभी बता रहे थे कि सड़कों का जाल बिछ गया है, तो यदि सड़क बनी है तो किसी विशेष जाति के लोग उस पर नहीं चलते हैं, सभी संप्रदाय के लोग चलते हैं, सभी धर्म के लोग चलते हैं। ये है नीतीश कुमार का विकास मॉडल। और नीतीश कुमार का विकास मॉडल की चर्चा देश में तो होती ही है, आप लोग पेपर ऊपर पढ़ते होंगे, तो विदेश के लोग भी आते हैं
और नीतीश कुमार से मिल करके इनके विकास मॉडल की चर्चा अपने देशों में करते हैं। इसका मतलब है कि इनका विकास मॉडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में। तब आप कह सकते हैं कि हम इतना विकास करते हैं, इतना काम नीतीश कुमार जी ने किया है, उसके बाद भी 2014 में हम लोकसभा चुनाव लड़े थे तो हम मात्र 2 सीट जीते, आधे ना, मात्र 2 सीट हम लोगों ने जीता था। और उस चुनाव के बाद से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए बहुत पहल, लेकिन आज फिर हम लोग एमएलए घट करके 75 से एमएलए घट करके हम लोग इतना सोचाए हैं 43। अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पार्टी में अध्यक्ष बनाने के लिए 14 पंचायत के सभी क्रियाशील सदस्य आज उपस्थित हुए हैं। उन्हें निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से और प्रखंड जनता दल के नव निर्वाचित अध्यक्ष की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करने का आग्रह करूंगा। आज आप लोग इस चुनाव में सभी सक्रिय सदस्य उपस्थित हुए हैं, मैं सभी को अभिनंदन करता हूं और नमस्कार करता हूं। आज इस प्रखंड का निर्विरोध शैलेन्द्र माथुर जी अध्यक्ष बने हैं। इस कार्य को आगे प्रगति देने के लिए इनको पावर दिया गया है। सभी हम लोग मिलजुल कर इनके हाथों हाथ से मिलाकर सभी मिलकर काम करेंगे तो प्रखंड का विकास होगा। और विशेष मैं क्या करूँ, इस कार्य की सभा को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अब जितने साथी हैं।